हेलो व्यवर्स वेलकम टू कम्पीट आई क्यू योर गेट वे टू एग्जाम सक्सेस आज हम करेंगे टॉप हंड्रेड जीकेजीएस एम सी क्यू पी वाई क्यू प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर के स्टेटिक जीके के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके जी एस पूछा जाता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क लोकेटेड इंडिया का फर्स्ट जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो जोगी घोपा में लोकेटेड जोगी घोपा इन द स्टेट ऑफ आसाम ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क करेक्ट आंसर जोगी घोपा आसाम द फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश के निल्लोर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल तो करेक्ट आंसर इज नल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश

प्लेस पाकिस्तान ने इलीगली ऑकुपाई करके रखा है एंड यह पाकि, पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर में लोकेटेड है इसीलिए हम फिलहाल के लिए कंचन को मानते हैं इंडिया का हाईएस्ट पिक एंड इट इज़ वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पिक एंड माउंट केटू जो है वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट एंड इंडिया का हाईएस्ट है अगर ऑप्शन में माउंट केटू रहा देन माउंट केटू विल बी द करेक्ट आंसर और अगर नहीं रहा देन कंचन विल बी द करेक्ट आंसर एंड वर्ल्ड का कितना देन वर्ल्ड का थर्ड तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कंचनजंगा वट इज दी कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है दैट इज वेलिंगटन तो करेक्ट आंसर इज वेलिंगटन हु बिल्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ड बाय धर्मपाल नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बिल्ड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता ने बिल्ड किया था एंड आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसने बिल्ड किया था किसके पेट्रोनेज में बिल्ड हुआ था यह आप लोग का होमवर्क है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है धर्मपाला इज नोन एज नेशनल नेशनल योद्धे हम स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं ऑन ट्वेल्थ ऑफ जनवरी नेशनल योद्धे हर साल मनाते हैं तो करेक्ट आंसर इज ट्वेल्थ जनवरी स्वामी विवेकानंद पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ आर्टक्वेक इज नोन पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ आर्टक्वेक को फोकस कहा जाता है तो करेक्ट आंसर इज सेस्मिक फोकस एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके साथ पूछा जाता है कि सेस्मिक फोकस के सीधा ऊपर में पैरेलली जो लाइन पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है देन दैट इज़ नोन एज एपी सेंटर ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेस्मिक फोकस अ क्लोज इकोनॉमी इस इकोनॉमी इन विच क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिसमें ना एक्सपोर्ट होता है ना इम्पोर्ट तो करेक्ट आंसर इज ना इधर इम्पोर्ट्स नॉट एक्सपोर्ट्स टेक्स प्लेस रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू रेनबो रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर विच स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद डेविस कप डेविस कप के साथ जो है टेनिस एसोसिएटेड है एंड स्पेसिफिकली लोन टेनिस तो करेक्ट आंसर इज लोन टेनिस डेविस टेनिस इस तरीके से आप लोग याद रखना एंड करेक्ट आंसर इसका है लोन टेनिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बन नेगेटिव कंट्री इन दी वर्ल्ड कार्बन नेगेटिव कंट्री जो है भूतान को जाना जाता है बिकॉज इसके इंडस्ट्रीज जितने कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा इसके फॉरेस्ट वर्ल्ड के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सो इट इज अ कार्बन नेगेटिव कंट्री इन दर्ल्ड करेक्ट आंसर इज भूतान हु इज नेम्ड अस्टर निवेदिता सिस्टर निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को जाना जाता है एंड शी वाज़ फॉलोअर ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी विवेकानंद जी ने ही इनको ये नाम दिया था निवेदिता एंड शी इज नोन एज सिस्टर निवेदिता इन इंडिया तो करेक्ट आंसर इज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल व्हाट इज द डेट ऑफ कारगिल विजय दिवस कारगिल विजय दिवस का जो डेट है वो है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जुलाई नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन इस दिन को हमने कारगिल वार जीता था तो करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी सिक्स जुलाई नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी एवरी ईयर एंड नेशनल वोटर्स डे ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस डेट को इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के नेशनल वोटर्स डे का जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्यूर ये थीम 2023 में भी था 2024 में भी है तो थीम इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखना एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है देन इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक्चुअली है क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था हमारा इंडिया का बिटवीन 1950 टू 1980 एवरेज ग्रोथ रेट तब 4 परसेंट का था इसी ग्रोथ रेट को राजकृष्णा जी ने इन दर नाइनटीन सेवेंटी एट ही वॉज अ इंडियन इकोनॉमिस्ट टर्म दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो इट इज़ बेसिकली ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन इंडिया बिटवीन 1950s एंड नाइनटीन तो करेक्ट आंसर है जीडीपी व्हिच इज नोन एज द साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया ऐजोल को जाना जाता है ऐजोल किस स्टेट का कैपिटल है देन मिजोराम का कैपिटल है एजोल तो करेक्ट आंसर इज एजोल इट इज़ नोन एज द साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया ंडियन आर्म्ड फोर्सेज कंडक्ट द प्रस्थान सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज प्रस्थान सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है ये एक आर्म्ड सिक्योरिटी एक्सरसाइज है डन बाय द इंडियन नेवी मिलिटरी एक्सरसाइजेस किए जाते हैं बहुत सारे इंडिया में प्रस्थान सिक्योरिटी एक्सरसाइज इज डन बाय इंडियन नेवी हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी फादर ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी सर जॉर्ज क्रिसोम को जाना जाता है तो करेक्ट आंसर इज जॉर्ज क्रिसोम हु रॉट अ सॉन्ग ऑफ इंडिया अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इज रिटन बाय रस्किन बोंड तो करेक्ट आंसर इज रस्किन बोंड एंड सिंस इनके राइटिंग्स बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इनके राइटिंग्स हम लोग देख लेते हैं इट इन्क्लूड्स द रूम ऑन द रूफ आर्ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा अ फ्लाइट ऑफ पीजेंस द ब्लू अम्बरेला ग्रेनिस ट्री क्लाइंबिंग एंग्री रिवर ये सब इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स हैं इनके हालांकि और बहुत सारे हैं बट दिस आर आर द इम्पोर्टेंट वंस आप लोग इसे याद रखना तो करेक्ट आंसर इज रस्क इन बॉन्ड इंडिया फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी इंडिया का फर्स्ट जो थ्री डी प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है इट वॉज इनोग्रेटेड इन द स्टेट ऑफ बेंगलुरु द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु Who was the first Chief Election Commissioner of India? First Chief Election Commissioner of India was Sir Sukumar Sen. So, correct answer is Sukumar Sen. And who is presently the Chief Election Commissioner of India? So, presently Rajiv Kumar is the Chief Election Commissioner of India. This point is important. Hai. And first, the? then first was Sir Sukumar Sen. मधुबानी अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया मधुबानी जो है ये एक फोक आर्ट है ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार इट इज़ अ टाइप ऑफ पेंटिंग ऑफ बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग याद रखना करेक्ट आंसर इज बिहार इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया जी ने जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो किया था इन दयर नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर अंड प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी एंड कब किया था प्रिसाइसली डे देन मे एटीन नाइनटीन सेवेंटी फोर एंड इसका नाम किया था जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा कहाँ पे किया गया था देन पोखरन राजस्थान में किया गया था पोखरन राजस्थान में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करके इंडिया सिक्स कंट्री बन गया था इन दर्ल्ड टू डू द न्यूक्लियर टेस्ट तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 1974 एंड रिलेटेड पॉइंट्स भी आप लोग याद रखना हु इज़ द फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया फादर ऑफ़ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एंड फंडामेंटल राइट्स से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं दैट इज़ इट इज़ इंक्लूडेड इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल कब कहाँ से कहाँ तक देन ट्वेल्व से लेकर थर्टी फाइव तक फंडामेंटल राइट्स मैंशन है इन पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना एंड टोटल फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स टोटल सिक्स टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इन इंडिया नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है देन इट इज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी एट ऑफ फेबर बिकॉज इस दिन को सर सी वी रमन ने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था ऑन ट्वेंटी एट फेबर नाइनटीन ट्वेंटी एट एंड इसी वजह से उनको नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी में फिजिक्स के फील्ड में नोबल प्राइज दिया गया था ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना एंड किस वजह से किया जाता है ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय सर सी वी रमन ऑन ट्वेंटी एट फेबर एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरनेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है देन ऑन टेंथ ऑफ नवंबर इंटरनेशनल साइंस डे एंड नेशनल साइंस डे ट्वेंटी एट फेबर हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जाना जाता है राजा राममोहन रॉय को तो करेक्ट आंसर इज राजा राममोहन रॉय द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो इंडियन ओशन के अरबियन सी में सिचुएटेड है तो करेक्ट आंसर इज अरबियन सी वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है एंड यूनाइटेड नेशंस कब एस्टेब्लिश हुआ था देन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव को ये यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हुआ था हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क हु वॉज दी फर्स्ट इंडियन टू बी क्राउंड मिस वर्ल्ड फर्स्ट इंडियन टू बी क्राउंड मिस वर्ल्ड बस रेटा फेरिया एंड आप लोगों के लिए होमवर्क है फर्स्ट इंडियन टू बी क्राउंड मिस यूनिवर्स कौन थी ये आप लोग का होमवर्क है कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रेटा फेरिया इन विच इयर पेपर करेंसी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया पेपर करेंसी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ऑफिशियली इन दयर एटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी वन एंड किसने इंट्रोड्यूस किया था पेपर करेंसी को इंडिया में देन इट वॉज चर्ल स्कैनिंग हु इंट्रोड्यूसड पेपर करेंसी इन इंडिया ऑफिशियली इन एटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी वन

दी बुक स्प्रिंग टाइगर इज द बायोग्राफी ऑफ स्प्रिंग टाइगर इज द बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड इसको किसने लिखा था देन इट वॉज रिटन बाई ह्यूज टॉय तो करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस द गैस यूज इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज आर्टिफिशियल राइपनिंग आर्टिफिशियली पकाने के लिए फ्रूट्स को जो गैस यूज किया जाता है वो है ऐथिलिन तो करेक्ट आंसर इज ऐथिलिन हु स्टार्टेड दि न्यूज़पेपर केसरी केसरी वस ए न्यूज़ पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे एंड एक और इम्पॉटेंट न्यूज़ पेपर जो इन्होंने पब्लिश किया था एंड स्टार्ट किया था वो था मराठा तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बाल गंगाधर तिलक एंड न्यूज़ पेपर केसरी एंड मराठा आप लोग याद रखना फुल फॉर्म ऑफ टी डी एस इज़ टी डी एस का फुल फॉर्म जो है वो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टी डी एस का मीनिंग क्या है प्रिसाइसली मैं आपको बता देती हूँ सिंसियर एग्जाम्स में पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हैं एंड आपको जो सैलरी पे किया जाता है वो है ट्वेंटी थाउजेंड जब ट्वेंटी थाउजेंड से जो टैक्स होने वाला है पकड़ लीजिए टेन परसेंट का टैक्स काटने वाला है वो टू थाउजेंड जब पहले ही माइनस करके आपको अपने हाथ में एटीन थाउजेंड दिया जाता है एंड टू थाउजेंड एम्प्लॉय पहले ही काट के वो गवर्नमेंट को भेज देता है दैट इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स सैलरी जो मिलता है आपको टैक्स काटने के बाद मिलता है तब उस टैक्स को टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहा जाता है जिसपे आपको टैक्स बाद में नहीं देना है तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा द फॉर्म ऑफ टी डी एस इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वेन इज़ वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द ईयर वर्ल्ड एड्स डे हर साल फर्स्ट दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट दिसंबर एंड एड्स का फुल फॉर्म क्या है वो एग्जाम में पूछा जाता है इट इज़ एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रम एड्स किस वायरस की वजह से होता है देन एच वायरस की वजह से एड्स होता है एच वायरस हम किस टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं देन एलिसा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द एच वायरस तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट दिसंबर एंड

इस दी नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर लोकेटेड है तो नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बर्थडे में फिफ्थ सेप्टेम्बर को हर साल हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडियाज फर्स्ट ई कोर्ट इज सिचुएटेड इन इंडिया का फर्स्ट ई कोर्ट जो है वो सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद तो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद तेलंगाना ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक इन दर्ल्ड ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक जो है वो है रिक्स बैंक ऑफ स्वेडन इट वॉज एस्टेब्लिश इन दर सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट तो करेक्ट आंसर इज रिक्स बैंक ऑफ स्वेडन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ब्लू रेवल्यूशन फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन जाना जाता है इंडिया में हीरा लाल चौधरी को एंड ब्लू रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है यह भी एक क्वेश्चन बनता है देन फिश एंड फिशरी प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है ब्लू रेवोल्यूशन तो करेक्ट आंसर इज हीरा लाल चौधरी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इन हिंदी भारतीय अशांति का जनक ये क्यों कहा गया था क्योंकि ये अपने एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज से ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान कर रहे थे तो सर वैलेंटाइन चिरौल जी ने हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था ही वॉज़ बाल गंगाधर तिलक

वट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है ब्राज़ील तो करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील वेयर इज दी हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था देन इट वॉज एस्टेब्लिश इन दयर नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव तो करेक्ट आंसर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड when was sarg created sarg was created in the year 1985 it was a south asian regional integration बिटवीन दी साउथ एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म क्या है देन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ सार्क एंड ये कब एस्टेब्लिश हुआ था प्रिसाइसली देन इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 8 दिसंबर 1985 इसका हेड क्वार्टर फाइव इसका कहाँ पर है देन काठमांडू नेपाल में है इसमें एट कंट्रीज टोटल है अफगानिस्तान भूटान मलदीव्स पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया नेपाल एंड श्रीलंका ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर इज एट दिसंबर नाइनटीन

डियजोगशिया इज सिचुएटेड इन डीएजोगर्शिया जो है एक आइलैंड है इट इज़ सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है बिकॉज डि एजोगर्शिया जो आइलैंड है इसको यूके भी क्लेम करता है कि ये यूके का पार्ट है एंड मॉरिशियस जो कंट्री है ये भी क्लेम करता है कि ये डीएजोगर्शिया उनका है तो इसी वजह से ये न्यूज़ में रहता है कहाँ पर सिचुएटेड है देन इट इज़ सिचुएटेड इन इंडियन ओशन दी हेड ऑफ सिडबी बी इज सिचुएटेड इन सिडबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर सिचुएटेड है लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है सिडबी का फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आपका जो एक होमवर्क है वो ये है कि सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ था वो डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लखनऊ करेंसी ऑफ स्पेन इज नोन एज करेंसी ऑफ स्पेन जो है आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं इट इज़ यूरो करेक्ट आंसर इज यूरो वट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ एफ सी आई एफ सी आई का फुल फॉर्म जो है आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं इट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वट इज़ दाइंटिफिक नेम ऑफ बैटल नट साइंटिफिक नेम ऑफ बैटल नट इज़ एरेका कैटेच्यू बैटल नट जो है आसाम में बहुत ही फेमस है एंड सिंस मैं खुद आसाम से बिलोंग करती हूँ तो इसको आसाम में जो है तामुल पान कहा जाता है ऑलमोस्ट सभी पीपल इसको कंज्यूम करते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट द यू कैन से स्टेट फ्रूट ऑफ आसाम द बैटल नट ये तामूल जो है ये बैटल नट को कहा जाता है ये जो लिव्स है इसको पान कहा जाता है एंड एवरी वन कंज्यूम्स इट इन आसाम इट इज़ वेरी फेमस हेयर एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साइंटिफिक नेम एरेका कैटेचू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथेमेटिशियन इन्वेंटेड इन डेसीमल वैल्यू सिस्टम डेसीमल वैल्यू सिस्टम जो है वो आर्यभ्टी ने इन्वेंट किया था इन द एशियंट टाइम्स ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथेमेटिशियन इनके डिस्कवरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि इन्होंने डिस्कवर किया था जीरो ट्रिगोनॉमिट्री के वैल्यूस देन पाए का वैल्यू ये सभी इनके डिस्कवरीज़ है आप लोग याद रखना तो करेक्ट आंसर इसका है आर्या भट्ट एंड इनके इन्वेंशन आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट हैं

विच ऑफ़ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयोनोस्फेयर आयोनोस्फेर जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं इट इज लोकेटेड इन थर्मोस्फेयर ये देखिए हमारे एटमोस्फेयर के फाइव लेयर्स होते हैं जो है ट्रोपोस्फेर स्ट्रेटोसफेयर मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर एग्जोस्फेयर आउटरमोस्यर है एंड सबसे निचला लेयर है ट्रोपोस्फेयर एंड उसी के ऊपर स्टेटोसफेयर उसके ऊपर मेसोसफेयर देन थर्मोस्फेर में एग्जिस्ट करता है आयनोसफियर जहाँ पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आयंस होते हैं जहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है इसी वजह से जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग देख पा रहे हो एंड हम लोग फ़ोन पर जो बात कर पाते हैं एक दूसरे से कहीं और लोकेशन में रहने से भी ये रेडियो कम्युनिकेशन आयनोसफेयर के प्रेजेंस की वजह से पॉसिबल है तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आयनोस्फेयर दी अजंता केव्स बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अजंता केव्स जो है ये बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गुप्तास तो करेक्ट आंसर इज गुप्तास इंडियाज हाइस्ट डैम तेहरी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर सबसे पहला पॉइंट इसमें से यह है कि इंडिया का हाएस्ट डैम कौन सा है देन करेक्ट आंसर विल बी तेहरी डैम ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता है आप लोग याद रखना इट इज़ लोकेटेड ऑन भागीरथी रिवर इन दि स्टेट ऑफ उत्तराखंड तो कौन सा स्टेट अगर पूछे देन उत्तराखंड एंड कौन सा रिवर देन भागीरथी रिवर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भागीरथी रिवर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स सर ऐदम स्मिथ को जाना जाता है तो करेक्ट एंसर इज ऐदम स्मिथ ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स विच एमोंग दस ऑफ इंडिया अमोंग द फोइंग ऑप्शंस जो फोक डांस है वो है गरबा गरबा किस स्टेट में किया जाता है देन गरबा इज डन इन द स्टेट ऑफ गुजरात बाकी सब जो है ये ऑप्शन्स में क्लासिकल डांसेस के नेम है मोहिनीत्तम फ्रॉम केरला कथक कली ऑल्सो फ्रॉम केरला एंड सत्र जो किया जाता है इट इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है गरबा गरबा इज अ फोक डांस ऑफ गुजरात हु हैड फाउंडेड हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट आर्य समाज आर्य समाज वॉज अ मूवमेंट फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन द ईयर एटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव एंड इसका मोटो भी पूछा जाता है मोटो ऑफ आर्या समाज वॉज गो बैक टू देदास तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती इन द ईयर एटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी फ़ाइव हु इज़ द राइटर ऑफ़ द बुक पंचतंत्र पंचतंत्र इज़ अ वेरी फेमस बुक ऑफ द राइटर विष्णु शर्मा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है एग्जाम्स में तो आप लोग याद रखना करेक्ट आंसर विष्णु शर्मा क्विच ऑफ दिवर्स इज नोन एज वृद्धगंगा वृद्धगंगा फॉलोइंग ऑप्शन में से जिसे जाना जाता है दट इज गोदावरी रिवर वाई इट इज नोन एज वृद्धगंगा बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा गोदावरी एंड साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है तो इसी वजह से इसे वृद्धगंगा कहा जाता है करेक्ट आंसर इज गोदावरी वट इज़ दी कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इंडोनेशिया का जो कैपिटल है फॉलोइंग ऑप्शन में से वो है जकार्ता एंड करंटली जो कैपिटल है वो चेंज कर दिया गया था तो करेक्टली करंटली है नू संतरा एंड पहले जो था वो था जकार्ता तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जकार्ता एंड प्रेजेंट कैपिटल नू संतरा वट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल जो है प्रेजेंट वर्ल्ड का वो है ब्लू वेल लेकिन अगर लार्जेस्ट लैंड एनिमल पूछे लैंड एनिमल पूछने से इट विल बी एफ्रीकन एलिफेंट्स तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वेल इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल एफ्रीकन एलिफेंट्स द फादर ऑफ हिस्टोरी फादर ऑफ हिस्टोरी इज हिरोडोटस को कहा जाता है तो करेक्ट आंसर इज हिरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री वट इज द मोटो ऑफ इंडिया नेशनल मोटो ऑफ इंडिया जो है वो है सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते वॉज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद कौन सा उपनिषद देन मुंडका उपनिषद ये आप लोग याद रखना है क्वेश्चन बनता है एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्यमेव जयते देन इट इज ट्रुट एलॉन ट्रायम्स तो करेक्ट आंसर इज सत्यमेव जयते फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन दी वर्ल्ड वॉज फ्राम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो थी शी वॉज इलेक्टेड फ्राम श्रीलंका शी वॉज सिरिमा वो बंदरा नाइके एंड शी वॉज फ्रॉम श्रीलंका तो करेक्ट आंसर इज श्रीलंका फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो है इंडिया का वो बन गया है सिक्किम यह करंट अफेयर्स में भी न्यूज में है एंड स्टेटिक पार्ट में भी इम्पोर्टेंट बनेगा सिंस यो फर्स्ट है तो आप लोग याद रखना करेक्ट आंसर इज सिक्किम वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र फर्स्ट पर्सन जो थे परमवीर चक्र रिसीव करने के लिए ही वॉज सर सोमनाथ शर्मा एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है देन परमवीर चक्र इज द हाइस्ट गैलेंटरी एवॉर्ड इन इंडिया हाएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न बट हाएस्ट गैलेंटरी अवार्ड जो मिलिट्री के फील्ड में दिया जाता है वो है परमवीर चक्र ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना पूछा जाता है एंड फर्स्ट पर्सन टू गेट इट वॉज सोमनाथ शर्मा थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच गेम थॉमस कप एंड उबेर कप दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है तो करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन टर्म गुगली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स टर्म गुगली इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट आप पिक्चर के ही बता सकते थे कि करेक्ट आंसर इज क्रिकेट विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एटीएम इन इंडिया फर्स्ट बैंक जिसने ए इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में वॉज दी हॉन्गकॉन्ग एंड शांघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन तो करेक्ट आंसर इज एच एंड कब किया था ए टी एम इंट्रोड्यूस इंडिया मेंट वॉज इंट्रोड्यूसड बाई द एच एस बी सी इन दर नाइनटीन हंड्रेड एंड इन द स्टेट ऑफ मुंबई तो करेक्ट आंसर हांगकॉन्ग एंड शांघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड अंदामान एंड निकोबर आइलैंड इज सेपरेटेड बाई अंदामान एंड निकोबर को जो सेपरेट करता है वो करता है टेन डिग्री चैनल तो अंदामान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय द टेन डिग्री चैनल हु हैड प्रपोज पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी जिसने प्रपोज किया था ही वॉज़ सर जयप्रकाश नारायण एंड इनसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि हु इज नोन इज द लोक नायक ऑफ इंडिया एन लोक नायक ऑफ इंडिया इज सर जे पी नारायण और जयप्रकाश नारायण दो करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण which one of the following was the first country to declare climate emergency first country to declare climate emergency was united kingdom it was declared in by the united kingdom in the year 2019 on first of may first may 2019 ko uk first country ban gaya to declare climate emergency एंड इट वॉज डिक्लेय बाई दी वेल्स गवर्नमेंट एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे वो यूके के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है देन इट इज़ नोन एज दैनट जैसे कि इंडिया के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है एंड तो ऐसे ही यूके के पार्लियामेंट को सैनेट कहा जाता है ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना हु सेज दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल ये स्टेटमेंट दिया गया था बाय एरिस्टोटल एंड एरिस्टोटल से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जूलॉजी हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी दैन दोनों का करेक्ट आंसर होगा एरिस्टोटल इज नॉन एज द फादर ऑफ जूलॉजी एंड ही इज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आर बी आई फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आर के देन ही वॉज सर सी देशमुख तो सर सी डी देशमुख इज द करेंट आंसर एंड इनका फुल नेम क्या था देन चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख इसरो बिल्ड इंडिया फर्स्ट नोन नोनेस इसरो ने जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ड किया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस कंपनी ने बिल्ड किया देन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका नाम क्या था देन फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया वॉज आर्या भट्ट इट वॉज सेटअप इन दर नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवनटी फाइव बाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो करेक्ट आंसर इज आर्या द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेशर्ड बाय डेंसिटी ऑफ मिल्क को मेशर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है लैक्टोमीटर तो करेक्ट आंसर इज लैक्टोमीटर फ़र्स्ट इंग्लिश न्यूज़ पेपर इन इंडिया वॉस फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ पेपर जो था इंडिया में वो फॉलोइंग ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है दी बेंगल गैजेट ये था फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ पेपर इन इंडिया एंड ये किसने पब्लिश किया था देन जेम्स हिक्की ने पब्लिश किया था इस न्यूज़ पेपर को तो ये करेक्ट आंसर हुआ दी बेंगल गेजेट इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश या म्यांमार इंडिया का लॉन्गेस्ट जो लैंड बॉर्डर है वो हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के साथ है तो करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश कोटा इज सिचुएट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर कोटा इज़ अ सिटी इन राजस्थान एंड इट इज सिचुएट इन ऑन द बैंक्स ऑफ चंबल रिवर तो करेक्ट आंसर इज चंबल हु इज़ दी ऑथर ऑफ दी बुक रामचरित्र मानस रामचरित्र मानस के ऑथर जो है हम सभी को पता है ही इज तुलसीदास तो करेक्ट आंसर इज तुलसीदास

हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया इंडिया के शेक्सपियर कालिदास को जाना जाता है बिकॉज ऑफ इज वेरियस राइटिंग्स तो इनके कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इट इंक्लूड्स अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमोवर्षम मालविक अग्निमित्रम रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं ऑथर है कालिदास आप लोग याद रखना वट इज़ दी विथ ऑफ गोल पोस्ट इन द गेम ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट का जो विथ है वो ट्वेंटी फोर फिट का होता है फुटबॉल का एंड जो हाइट होता है वो होता है एट फिट का तो आप लोग याद रखिए विथ ट्वेंटी फोर फिट हाइट एट फिट एंड इन मीटर देन इट इज़ सेवन पॉइंट थ्री टू मीटर विथ एंड टू पॉइंट फोर फोर मीटर टॉल फुटबॉल के गोल पोस्ट का which was the first muslim dynasty that ruled india first muslim dynasty that ruled india was the slave dynasty and slave dynasty ke founder kutubuddin aibak the correct answer is slave dynasty which of the following animals कैन हीयर अल्ट्रासोनिक साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स कैन बी हर्ड बाय बैट्स ये देखिए ये एनिमल्स रात को अपना फूड कलेक्ट करते हैं एंड सिंस इनको दिखाई नहीं देता तो ये लोग एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो इनके फ्रूट्स या तो फिर किसी भी चीज़ से टकरा के वापस जब आते हैं तो उस रिफ्लेक्टेड साउंड को ये लोग सुन पाते हैं देट इज़ देयर एबिलिटी टू हीयर दी अल्ट्रासोनिक साउंड एंड इसी के थ्रू से ये लोग फूड कलेक्ट करते हैं सिंस दे कॉन्ट सी सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बैट्स हु इज़ दी चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ़ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ लॉ ऑफिसर जो होते हैं इंडिया के वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड जो स्टेट के होते हैं स्टेट के होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंटली ही इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द हाइस्ट लॉ ऑफिसर और चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ़ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इज़ सर आर वेंकटर एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंटली सर आर वेंकटर है ये भी आप लोग याद रखना हु इज द फर्स्ट लेडी रिसिपेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड की फर्स्ट लेडी रिसिपेंट जो थी वो थी देविका रानी तो करेक्ट आंसर इज देविका रानी हु एमोंग दी फॉलोइंग फर्स्ट स्टार्टेड द नर्मदा बचाओ कैंपेन नर्मदा बचाओ कैंपेन स्टार्ट किया था मेधा पटेकर ने तो करेक्ट आंसर इज मेधा पटेकर सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट हुआ था 1939 में एंड इसमें टू पार्टीज के बीच में था वार एक था एक्सिस एंड दूसरा ग्रुप था एलाइस एक्सिस में कौन कौन सा नेशन इन्वॉल्व था देन इट एक्सिस कंसिस्टेड ऑफ जापान इटली एंड जर्मनी एंड द दलाइज कंसिस्टेड ऑफ फ्रांस अमेरिका ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन दैट इज प्रेजेंटेड रशिया एंड इट्स काउंटर पार्ट तो ये करेक्ट आंसर हुआ नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी नाइन एंड प्रिसाइसली कब हुआ था देन फर्स्ट सेप्टेम्बर नाइनटीन थर्टी नाइन से लेके सेकेंड सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी फाइव तक हुआ था हुज़ द फाउंडर ऑफ मद्रास फाउंडर ऑफ मद्रास वॉज सर फ्रांसिस डे तो करेक्ट आंसर इज़ फ्रांसिस डे एंड आप लोगों के लिए होमवर्क है मद्रास किस साल में फाउंड किया था सर फ्रांसिस डे ने यह आप लोगों का होमवर्क है कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए दी बमला पास इज़ लोकेटेड इन बमला पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश

विथ दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड थैंक यू